पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन की मासिक बैठक 9वें स्थापना दिवस के रूप में संपन्न हुई, जिसमें संस्था के लोगों ने केक काटकर आपस में बधाइयां दी। आज की बैठक में पूर्व वर्ष में किए गए सभी सामाजिक कार्यों के बारे में चर्चा की गई। स्थापना दिवस के दिन संस्था के लोगों ने गरीब बच्चों को कपड़े, कॉपी, किताबें और मिष्ठान का वितरण किया एवं शपथ ली कि भविष्य में समाज के प्रति अपनी निष्ठा और सहयोग की भावना रखेंगे और मजबूती के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। अध्यक्ष शिवेंद्र जैन ने बताया कि होली का त्योहार आने वाला है, इसमें हमें आपस में मिलजुल कर काम करना है और इस त्योहार को मिलजुल कर मनाना है। इस त्योहार में सूखे रंगों का उपयोग करें, पानी के गुब्बारों का प्रयोग ना करें, इससे दुर्घटना होने का खतरा रहता है। महासचिव तरुण मदान ने सभी साथियों का धन्यवाद किया। सभी साथियों ने पूरे वर्ष बढ़ चढ़कर समाज सेवा के कार्यों में हिस्सा लिया और अपना तन मन धन का सहयोग दिया। अंत में सभी ने राष्ट्रगान गाकर सभा का समापन किया। सभा में मुख्य रूप से अध्यक्ष शिवेंद्र जैन, महासचिव तरुण मदान, ब्रजभूषण धमीजा, रवि कपूर, सनी भाटिया, पंकज अग्रवाल, संजीव मल्होत्रा, जतिन प्रजापति, कौशल अग्रवाल, रवि कपूर, किशन कक्कड़, उमेश अरोरा, राजेश वर्मा, पुनीत बंसल, अश्वनी मदान, संदीप भटनागर, संजय शर्मा, मुकेश भटनागर के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं अध्यक्ष मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन शिवेंद्र जैन। आज हमारे क्लब का 9वां स्थापना दिवस है। 25/2/2014 को हमने पहला प्रोग्राम किया था मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन का। शायद कुछ पुराने पत्रकारों को याद हो, 50 ISI हेलमेट हमने पीलीगुड़ी चौराहे पे फ्री बांटे थे और लोगों को अफेयर किया था कि हेलमेट जरूर लगाएं। हमारी कोशिश रहती है कि हमारी वजह से अगर एक भी व्यक्ति की जान बच सके तो हमारी कार्य पूरा होगा। हमने एक स्लोगन भी दिया था कि आप ट्रैफिक पुलिस से बहस कर सकते हैं, एम्बुलेंस से नहीं। ये स्लोगन बहुत चला, पूरे उत्तर प्रदेश में खूब चला। इसके बाद हमने बहुत कार्य किए, कोरोना में हमने बहुत कार्य किए। हमने फ्री में राशन बांटा, मास्क बांटे, सैनिटाइज़र बांटे, पूरी पूरी ट्रेनों को हमने खाना खिलाया, मजदूरों को चप्पलें दी। इसी के साथ हम जो भी समाज में कुरीति है, कोई भी चल रहा होता है, उस पर वर्क करते हैं। हमारा संगठन हमेशा पुलिस प्रशासन के साथ, पब्लिक के साथ रहता है। आजकल हम स्मार्ट सिटी पे काम कर रहे हैं। हमने एक स्लोगन दिया है कि स्मार्ट सिटी बनने से पहले आप खुद स्मार्ट बनिए और ट्रैफिक नियमों का पालन करिए, रेड लाइट का पालन करिए, बैड लगाइए, हेलमेट लगाइए, सड़क पर गंदगी मत फेंकिए। तो हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी मुरादाबाद को हम स्मार्ट बनाएं। हमारे साथ आज हमारे महासचिव तरुण मदान जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि कपूर जी और टीम के काफ़ी सदस्य मौजूद रहे। केक काट के हमने सेलिब्रेशन किया। आज दिन में हमने गरीब बच्चों को, निर्धन बच्चों को कपड़े बांटे, पुस्तकें वितरित की और खाना वितरित किया। बिल्कुल ऐसे चलते रहेंगे और हम कभी भी किसी से कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं। सारा पैसा हम क्लब के अंदर ही इकट्ठा करते हैं। हम जो 50 लोगों का ग्रुप है, हम आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं हमेशा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।